દાદરાનગર હવેલીના સેલવાસ નજીકના નરોલી પંચાયતમાં ગ્રામસભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। નરોલી ખાતે સરપંચની અધ્યક્ષતામાં મળેલી ગ્રામસભામાં વિકાસની વિવિધ યોજનાઓની જાણકારી આપવામાં આવી હતી। આ સભામાં ડીપીઓ મિથુન રાણા તેમજ ગ્રામ પંચાયતના સભ્ય અને મોટી સંખ્યામાં ગ્રામજનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। उनमें मुझे भी आमंत्रित किया गया था और आज ग्राम सभा में महिला लोगों महिला के लिए बच्चों के लिए बहुत सारी योजना है। जैसे SBI बैंक से भी मैनेजर सर आए थे, देना बैंक से भी मैनेजर सर आए थे। सुकन्या योजना है, आत्मनिर्भर भारत के तहत भी योजना है, सब बीमा प्लान है। तो मैं सब नरोली की जनता को जागरूक करना चाहती हूँ आपके मीडिया के माध्यम से कि जैसे नरोली गाँव में ग्राम सभा होती है तो सभी महिला एवं सभी पुरुष आए और भाग ले। और इधर आज DPO सर जिला पंचायत से आए थे, SBI के बैंक के मैनेजर आए थे, देना बैंक के मैनेजर आए थे, दत्तक समाज कल्याण विभाग से भी जिला पंचायत बाल सुरक्षा योजना से भी सर आए थे, वन स्टॉप सखी मंडल से भी महिलाएं आई थी, सेक्रेटरी बाल विकास के भी आंगनवाड़ी के भी सुपरवाइजर मैम आए थे, एग्रीकल्चर के भी मैम आए थे, तलाटी सर आए थे, ये सब ऑफिसर लेवल से सब आए थे। उन्होंने कई सारी योजनाएं दी, कई सारी जानकारी दी। तो मैं ये चाहती हूँ आपके मीडिया के माध्यम से नरोली गांव की जनता जागरूक हो और हर अभी की आगे की जो ग्राम सभा आएगी तो आप सभी आए और अपने मुद्दे रखें। आपकी जो भी दिक्कत है वो मेंबर सभ्य जो जुड़े हुए छुटे हुए प्रतिनिधि वो तो करते ही है, लेकिन आपको क्या प्रॉब्लम परिस्थिति है अपने तो वो आप बता सकते हो और आप गाँव नरोली पंचायत में हम ये काम करवा सकते हैं। आज की नरोली ग्राम पंचायत में GPDP की ग्राम सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें ग्राम पंचायत में आने वाले सालों में जितने भी काम लेने वाले हैं उसकी चर्चा आज की गई है। उसमें ज़्यादातर यहाँ से ग्राम पंचायत की जो डिमांड थी वो रोड के रिलेटेड थी, तो उसमें रोड की जितनी भी उनकी डिमांड थी उस पर हमने ऑलरेडी बीच में सारे पंचायत से हमने लिस्ट मांगी थी इस बारे में कि कौन से रोड का रिपेयरिंग वगैरह का जो भी काम करना था, तो वो लिस्ट हमारे पास ऑलरेडी आ गई थी और उस पर हमने ऑलरेडी प्रोसेस कर दिया था। तो आने वाले दिनों में हम उसके भी टेंडर की प्रक्रिया खत्म करके उनकी जो समस्या उनका भी हम निराकरण जल्द से जल्द करेंगे। प्रक्रिया हमने चालू कर दी है और आने वाले दिनों में उसके भी हम जल्द से जल्द उसके डिसीजन लेके उसका भी हम प्रक्रिया पूरी करके आने वाले दिनों में नरोली पंचायत का जो कार्यभार संभालेगा उसकी घोषणा करेंगे। एक मुद्दा दिया है जो लोगों को आवक के दाखिले में जो तकलीफ हो रही है, जो अपने नगरवली में आवक का दाखिला उसकी परमिशन 1 साल की ही है और गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में 3 साल की परमिशन है। जो लाभार्थी जो है आवक के दाखिले के लिए जो 1 लाख से कम लोगों के आवक है उसके लिए 3 साल की परमिशन मिले, ये हमने रजूआत की है। साथ ही दादरा नगरवली के जो तमाम विकलांग है, जो विकलांग 40-50% विकलांग हो बच्चों, उन पहले साल से ही जन्म से ही जो विकलांग है उनको डॉक्टर सर्टिफिकेट मिल जाता है 40-50% का, तो उनको भी विकलांग पेंशन मिले जिससे नगरवली के अंदर एक अच्छा मैसेज जाए और लोगों को राहत मिले। क्योंकि छोटे बच्चे के साथ कोई ना कोई परिवार में माँ या बाप को रहना पड़ता है साथ में, इसलिए परिवार में जो कम आवक वाले हैं उन्हें बहुत तकलीफ पड़ती है। तो सरकार की तरफ से अगर ये लाभ मिल जाए तो बहुत अच्छा है। साथ ही नरोली गांव का सर्वांगीण विकास के लिए हमने सर से रजूआत की है और बहुत सारे ठहराव की मांग की है कि हमारे गांव का सर्वांगीण विकास हो, तो हमें प्रशासन और प्रशासक साहब से विनती है कि नरोली गांव जो हमारे गुजरात राज्य की बॉर्डर पे है, नरोली गांव पहला आता है बिलाड़ से आए तो हम चाहते हैं कि नरोली एक नगरवली की 20 पंचायतों में सर्वश्रेष्ठ पंचायत बने और इसी के लिए हम ये मांग करते हैं कि नरोली गांव सबसे पहले डेवलपमेंट हो। धन्यवाद।